नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे और जो जितनी मेहनत की जा रही है हमारे माध्यम से आपके लिए, शायद आपको लाइक आ रही होगी, आप पसंद कर रहे होंगे, बखूबी उसका फायदा उठा रहे होंगे। बस हम भी यही चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप जैसे भी सक्सेस हो जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं भारत गुजर आप सभी के साथ एक बार फिर से किसी नए टॉपिक लेकर और आज शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एशिया का सबसे बड़ा सम्मान जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, और वो एशिया का सबसे बड़ा सम्मान अक्सर और अक्सर चर्चाओं में रहता है, देखते हैं कौन सा है। हेडिंग डालते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वर्ष 2019, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पहला जो डिस्कशन का टॉपिक रखा है अपने, जिसको अपन पढ़ेंगे, वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं रेमन मैग्सेसे कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, जिनका वर्ष 1955 में एक हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया था, निधन हो गया था। उन्हीं की याद में फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना की गई, और ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो देखते हैं अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड स्थापना देखें। सबसे पहले इसकी स्थापना वर्ष है प्यारे विद्यार्थियों 1957। स्थापनाकर्ता की बात करें, स्थापनाकर्ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिलीपींस ने इसकी स्थापना की 1957 में अपने पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। अब इसको भारत के व्यू में देखा जाए कि सबसे पहले ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड भारत के लिए किसने जीता और कब जीता, उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए किस महिला ने पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड लिया और किस वर्ष में लिया। तो सबसे पहले की बात करें, भारत के लिए सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड वर्ष 1958 में विनोबा भावे द्वारा लिया गया। तो सबसे पहले भारत के कौन व्यक्ति थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है विनोबा भावे। किस वर्ष में लिया, वो वर्ष है 1958। इसके बाद भारत की महिला के दृष्टि से बात करें तो भारत के लिए सबसे पहले ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड महिला की दृष्टि से, या फिर यूं कहूं कि सबसे पहले किस भारतीय महिला ने इस सम्मान को पाया, उनका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने यह सम्मान 1962 में प्राप्त किया। एक बार फिर से देखेंगे थोड़ा सा ग्रिपिट की दृष्टि से। आज अपन ने पहला टॉपिक डिस्कस के लिए रखा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो वर्ष 2019 का पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में की गई, स्थापना की गई इसकी फिलीपींस सरकार द्वारा अपने पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। भारत के लिए सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड वर्ष 1958 में विनोबा भावे द्वारा प्राप्त किया गया। इसके बाद सबसे पहले भारतीय महिला जिनका नाम था मदर टेरेसा, इन्होंने इस अवार्ड को 1962 में प्राप्त किया। दोस्तों, बीच में एक बार फिर से मैं कहूंगा, आप
से एक छोटा सा नाराजगी जरूर है और वो है कमेंट की। आप कमेंट करते ही नहीं है, ना तो आप अच्छाई बताते ना ही कमियां बताते। देखिए हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो निवेदन है आपसे जो भी जिस भी विषय में जो यहाँ चल रही है उस पर आप कमेंट जरूर करें, जो भी हो अच्छा हो रहा, जो भी आपको जैसे लगे। रिस्पॉन्स जरूरी है, वो हमारे आत्मविश्वास के लिए, और हमारा आत्मविश्वास जरूरी है आपके लिए। चलो बाय द वे, तो ये रेमिन मैग्सेसे अवार्ड जो थोड़ा सा डिस्कस किया और आगे देखते हैं। अब अपन बात करें कि लास्ट ईयर 2018 में यह अवार्ड किसने लिया था भारत के लिए। तो वर्ष 2018 में रेमिन मैग्सेसे अवार्ड दो भारतीयों को दिया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिया भारत वाटवानी को, भारत वाटवानी को, और एक दिया गया सोनम वांगचुक को। तो वर्ष 2018 में रेमिन मैग्सेसे अवार्ड विजेता भारतीय दो थे प्यारे विद्यार्थियों, एक का नाम था भारत वाटवानी, दूसरे थे सोनम वांगचुक। इस प्रकार 2018 में दो भारतीयों द्वारा ये अवार्ड जीता गया। अब बात करते हैं 2019 की, वर्ष 2019 अर्थात लेटेस्ट की बात करते हैं। कहते हैं वर्ष 2019 के विजेताओं के बारे में। तो वर्ष 2019 के विजेताओं की घोषणा 2 अगस्त 2019 को की गई, लेकिन याद रहे 2 अगस्त 2019 को विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। इनको ये अवार्ड 9 सितंबर को दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 9 सितंबर 2019 को ये अवार्ड फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किए जाएंगे। और इस बार जो विजेताओं की संख्या है, कुल विजेता 5 हैं प्यारे विद्यार्थियों। वर्ष 2019 के रेमिन मैग्सेसे अवार्ड विजेताओं की संख्या 5 है, और पांचों विजेताओं के नामों की घोषणा 2 अगस्त 2019 को की गई, जबकि इनको ये अवार्ड 9 सितंबर 2019 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किए जाएंगे। अब देखते हैं अपन कि उक्त 5 विजेता कौन है, देखिएगा। डिस्कस करते हैं विजेताओं के बारे में। नंबर एक का नाम है प्यारे विद्यार्थियों कोस्वेविन। एक विजेता का नाम है प्यारे विद्यार्थियों कोस्वेविन, और कोस्वेविन का संबंध कहां से है या फिर कहां के हैं, म्यांमार के। कोस्वेविन म्यांमार के नागरिक हैं। नंबर 2 नीला पेजित अंखाना, फिर से देखिएगा, नीला पेजित अंखाना ये थाईलैंड की है। और थाईलैंड प्यारे विद्यार्थियों सफेद हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 रविश कुमार भारत से बिलोंग करते हैं। नंबर 4 काया ब्याब रेमुंडो फिलीपींस से हैं। नंबर 5 किम जोंग की दक्षिण कोरिया से। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों ये थे 5 विजेता वर्ष 2019 के रेमिन मैग्सेसे अवार्ड के। एक बार फिर से चेक कीजिएगा, नंबर 1 लिखा है अपने कोस्वेविन, ये म्यांमार से हैं। नंबर 2 पर लिखा है अपने नीला पेजित
अंखाना ये थाईलैंड से हैं, रविश कुमार ये भारत से हैं, काया ब्याब रेमुंडो ये फिलीपींस से हैं, किम जोंग की ये दक्षिण कोरिया से हैं। प्यारे विद्यार्थियों इनमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें, इन पांच विजेताओं में से एक महिला है, ये महिला लिख दिया अपन ने, जो नीला पेजित अंखाना है ये महिला है। रविश कुमार के लिए बात करें तो रविश कुमार एक पत्रकार है, प्रसिद्ध पत्रकार, तो इनका संबंध पत्रकारिता से है, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं रविश कुमार जी। तो ये थे वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता। एक बार फिर से देख लें, कोस्वेविन, नीला पेजित अंखाना, रविश कुमार, काया ब्याब रेमुंडो, किम जोंग की, एक महिला है पांच में से जिसका नाम है नीला पेजित अंखाना, ये थाईलैंड से हैं। भारत के रविश कुमार, इनका संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से था। आगे कुछ और डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब तक कुल कितने भारतीय इस अवार्ड को प्राप्त कर चुके हैं? अब तक कुल भारतीय विजेता इस अवार्ड को अब तक कुल 40 भारतीय पा चुके हैं। 40 भारतीय विजेता रह चुके हैं इस अवार्ड को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है एशिया का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, सबसे बड़ा है, आता है इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल कौन कहलाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? 1957 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना किसने की? फिलीपींस ने की। भारत के लिए सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसने प्राप्त किया था प्यारे विद्यार्थियों? विनोबा भावे ने वर्ष 1958 में। प्रथम भारतीय महिला विजेता रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, उनका नाम था मदर टेरेसा, वर्ष 1962 में प्राप्त किया। 2018 की बात करें अपन तो दो भारतीय विजेता बने थे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के वर्ष 2018 में। एक का नाम था भारत वाटवानी, एक का नाम था सोनम वांगचुक। वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेताओं की घोषणा 2 अगस्त 2019 को की गई और इन विजेताओं को यह सम्मान 9 सितंबर 2019 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किए जाएंगे। और 2019 से विजेताओं की कुल की बात करें तो कुल 5 हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, प्रथम जो विजेता है नंबर से याद करें तो पहले नंबर पे हमने रखा है कोस्वेविन को, जो म्यांमार से है। नंबर 2 पे अपन ने लिखा है नीला पेजित अंखाना, ये इस वर्ष की एकमात्र महिला विजेता है, इनका संबंध थाईलैंड से है। भारत की तरफ से नंबर 3 पे रखा है अपने रविश कुमार को, ये भारत के हैं, एकमात्र भारतीय विजेता है इस वर्ष रेमन मैग्सेसे अवार्ड के। नंबर 4 पे रखा है अपने काया ब्याब रेमुंडो, ये फिलीपींस से हैं। और नंबर 5 पे अपन ने रखा प्यारे विद्यार्थियों किम जोंग की, जिनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। तो आशा करते हैं आपको यह अवार्ड हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेवल के एग्जाम में। हर बार कोई ना कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है और आज हम उसको बिल्कुल क्लियर करते हैं, नो डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे अपन। हाल ही में फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन। फिर से याद कर लीजिएगा टॉपिक का नाम,
G7 शिखर सम्मेलन। तो हेडिंग तो डालें एक बार, G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन। सबसे पहले अपन स्टार्ट से बात करते हैं दोस्तों। एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप भली बात ही परिचित हैं इस बात से। फ्रांस के वर्ष 1975 में तत्कालीन समय राष्ट्रपति हुआ करते थे वैलेरी जिस्कार्ड। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति थे वैलेरी जिस्कार्ड। वैलेरी जिस्कार्ड ने तत्कालीन समय के विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था एक ग्रुप बनाने का, एक संगठन बनाने का। वैलेरी जिस्कार्ड के इस प्रस्ताव को उस समय के सभी विकसित देशों ने स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य आया, जिसका परिणाम आया, एक ग्रुप बना। वो ग्रुप बना G6। इस समय जो वैलेरी जिस्कार्ड द्वारा ये प्रस्ताव बनाया गया, एक सामने विचार रखा गया, जिसका परिणाम था G6। G6 में उस समय कुल 6 विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र शामिल हुए, जिनमें एक थे USA, एक थे UK, एक स्वयं फ्रांस, एक इटली, एक जर्मनी और एक जापान। ये प्रारंभ में इसमें शामिल थे। फिर से रिपीट कर लीजिएगा, 6 कंट्री कौन कौन सी थी? USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। इन 6 देशों से मिलकर एक ग्रुप बना, जिसे नाम दिया गया G6। स्थापना 1975 में, स्थापना करता वैलेरी जिस्कार्ड, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। जो संगठन बना G6, 6 देश शामिल थे, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। इसके बाद वर्ष 1976 में एक दूसरा देश शामिल हुआ इसमें, जिसका नाम था कनाडा। कनाडा 1976 में G6 में शामिल हुआ। परिणाम स्वरूप नाम बदलकर G7 हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद वर्ष 1994 में G7 में एक नया देश शामिल होता है, जिसका नाम था रूस। नाम बदलकर G7 से हो गया प्यारे विद्यार्थियों G8। लेकिन रूस की भागीदारी ज्यादा लंबी चल नहीं सकी और 2014 में, वर्ष 2014 में अन्य दो सदस्य राष्ट्र थे, उन्होंने रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अनिश्चित काल के लिए रूस को इस ग्रुप से, इस समूह से निलंबित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में G7 में 7 देश शामिल हैं, जिनका नाम गिनना चाहें, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शामिल होने के लिए जो मापदंडों की बात करें, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि शामिल होने वाले देश की प्रति व्यक्ति आय ठीक होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं चाइना की। चाइना विश्व की अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या के होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। इस प्रकार चाइना मापदंड पूरे नहीं करता, सो उसे G7 ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे,
अपन पढ़ रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन, लेकिन G7 है क्या? इसका इतिहास देखा जाए तो 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया G6। G6 में 6 राष्ट्र शामिल थे, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। वर्ष 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, सो नाम G6 से बढ़कर G7 हो गया। इसके बाद वर्ष 1994 में G7 में रूस शामिल हुआ और नाम G8 हो गया, परंतु रूस को वर्ष 2014 में इस संगठन से, इस समूह से निलंबित कर दिया गया, बशर्ते वापस संख्या 7 हो गई, तो नाम जो G8 हो गया था वो वापस G7 आ गया और वर्तमान में भी नाम G7 है। अब अपन देखते हैं G7 के प्रमुख शिखर सम्मेलन कब कब हुई। G7 शिखर सम्मेलनों में बात करें तो प्रथम शिखर सम्मेलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1975 में पेरिस में हुआ और पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद अपन डायरेक्ट 2018 का देखते हैं, क्योंकि जब भी अपन नॉर्मली एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो अपन को 3-4 चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले शिखर सम्मेलन कब हुआ, अंतिम बार कब हुआ, हाल ही में कब हुआ और आने वाला या जो नेक्स्ट है वो कब होगा, कहां होगा। तो अपन ने देखा G7 शिखर सम्मेलन पहली बार 1975 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसके बाद 2018 वाले की बात करें तो वो था क्रम से 44वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में हुआ, क्यूबेक में हुआ और क्यूबेक कनाडा में है। प्यारे विद्यार्थियों, क्यूबेक कनाडा में है, जहां 2018 में G7 का क्रम से 44वां शिखर सम्मेलन हुआ। 45वें को थोड़ी देर छोड़ देते हैं क्योंकि ये वर्तमान की चर्चा है तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे अपन। इसके बाद 46वां शिखर सम्मेलन ये वर्ष 2020 में होगा और ये शिखर सम्मेलन होगा USA में। 47वां शिखर सम्मेलन 2021 में होगा और प्यारे विद्यार्थियों UK में होगा। फिर से देखिएगा, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में पेरिस फ्रांस में हुआ, क्रम से 44वां शिखर सम्मेलन 2018 में क्यूबेक कनाडा में हुआ, 45वें को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ दिया है क्योंकि वो तो लेटेस्ट है तो उसको गहराई से पढ़ेंगे, 46वां 2020 में USA में होगा, 47वां 2021 में UK में होगा। और अब अपन डिस्कस करते हैं जो हाल ही का मैटर है G7 शिखर सम्मेलन का, क्रम से 45वां वर्जन। तो अब शुरू करते हैं 45वां G7 का शिखर सम्मेलन। प्यारे विद्यार्थियों, 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2019 को किया गया। आयोजन 24 से 26 अगस्त 2019 को किया गया। आयोजन स्थल रखा गया बीरिट्स शहर है फ्रांस में। यहां G7 का क्रम से 45वां शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त के दौरान आयोजित किया गया। संस्करण आप यहां भी देख पा रहे हैं, फिर भी लिखें अपन, ये G7 का क्रम से
45वां संस्करण है या 45वां आयोजन है, इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई। प्यारे विद्यार्थियों, बीच में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, G7 का कहीं मुख्यालय नहीं है, G7 का कोई निश्चित अध्यक्ष पद क्रियान्वित नहीं किया गया है। जिस भी देश में इसका आयोजन किया जाता है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन की जो आयोजन होता है वहां अध्यक्षता करता है। तो वही हुआ कि जो G7 का 45वां शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसकी थीम क्या थी। प्यारे विद्यार्थियों, थीम रखी गई असमानता का मुकाबला करना, असमानता का मुकाबला करना थीम थी G7 के 45वें शिखर सम्मेलन की। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एजेंडा, मुद्दा क्या रखा गया। मुद्दे मुख्य तीन रहे, एक आय को मुद्दा बनाया गया, एक लैंगिक असमानता को, लैंगिक असमानता, और तीसरा चर्चा का मुख्य बिंदु रहा जैव विविधता। एक बार फिर से प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे, G7 का क्रमशः 45वां शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त के दौरान वर्ष 2019 में हाल ही में किया गया, आयोजन किया गया बीरिट्स फ्रांस में है। संस्करण ये 45वां था, अध्यक्षता कर रहे थे इसकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। थीम थी इसकी असमानता का मुकाबला करना, एजेंडा आय, लैंगिक असमानता और जैव विविधता को रखा गया। आगे देखते हैं, इसमें भारत के लिए मुख्य बात इसमें रही कि फ्रांस के द्वारा भारत को विशेष आमंत्रित किया गया। तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे विशेष आमंत्रित देश। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के व्यू में देख रहे हैं अपन, तो विशेष आमंत्रित देश रहा भारत, और भारत की तरफ से इस 45वें शिखर सम्मेलन में शेरे हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने इसमें भागीदारी की। ये बातें थी इसकी मुख्य। लेकिन दोस्तों, एक विशेष बात जो आती है वो मैं बताता हूं आपसे। इस शिखर सम्मेलन में जब भागीदारी करने नरेंद्र मोदी गए, तो वहां उनकी भेंट, या मैं यूं कहूं कि विशेष वार्ता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। और डोनाल्ड ट्रंप से जब ये विशेष वार्ता हुई, तो वहां मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रखा गया जम्मू कश्मीर को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने आग्रह किया, और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बार बार आग्रह किए जाने के कारण आपसे मध्यस्थता करने की इजाजत चाहता हूं। जिस पर शेरे हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है और हम इस पे किसी तीसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो इसमें विशेष बात यह बनती है, जैसे क्वेश्चन वाइज करें, कि हाल ही में नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस गए, तो वहां उनकी विशेष वार्ता किसके साथ हुई। इसका आंसर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।
और इस डोनाल्ड ट्रंप व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष वार्ता का मुद्दा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अभी हाल ही में भारत ने धारा 370 और 35A हटाई है, जिसके कारण बोखलाए पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनकी ये जो एक तरीके से इच्छा थी ये पूर्ण नहीं हो पाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था G7 शिखर सम्मेलन। तो एक बार फिर से देखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन जो क्रमशः 45वां था, इसका आयोजन 24 से 26 अगस्त 2019 को किया गया और आयोजन किया गया बीरिट्स में, जो फ्रांस का एक शहर है। इससे 45वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर रहे थे और भारत की तरफ से इसमें भागीदारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 45वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम जो है वो रखा गया असमानता का मुकाबला, असमानता का मुकाबला करना। और जो मुख्य एजेंडा रखा गया वो तीन विषय रखी गई, आय, लैंगिक असमानता और जैव विविधता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपके लिए दो टॉपिक बड़े ही इजीली लैंग्वेज में मैंने पेश किए हैं, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपसे एक बार मैं यही कहना चाहूंगा, आपका जो भी राय हो, जो भी विचार हो, आप कमेंट जरूर करें और जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, हम आप तक और भी अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आए और आपकी सफलता में हम भागीदार जरूर बन सके, हमें बड़ी खुशी होगी। और हाँ, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपके साथ भारत, एक बार फिर से नई क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए नए टॉपिक। तब तक के लिए।